जय राम जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक जो पीसी है, पुराना पीसी अपने पास आया है, जो लगभग मेरे हिसाब से ये 10 साल पुराना सिस्टम है। HCL का ब्रांडेड सिस्टम है और इसको अपने को अपग्रेड करना है, तो मतलब कम खर्चे में हम इसको अपग्रेड करेंगे। कोई मतलब आप ऑनलाइन क्लास लो या फिर कोई स्टडी करो या फिर कोई आप ऑफिशियल काम करो या फिर कोई सेंटर में काम लो, ऑफिशियल यूज़ ये आप कर सकते हो कम खर्चे के अंदर। अगर आपका नया का बजट नहीं है तो आप इसको अपग्रेड करवा सकते हो, कम बजट के अंदर अपग्रेड हो जाएगा ये पीसी और आप काम ले सकते हो और शानदार स्पीड के साथ काम ले सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या क्या चीज़ अपग्रेड कराओ पुराने सिस्टम में। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, HCL का ब्रांडेड सिस्टम है, जो मैंने अभी कोई कस्टमर आया मेरे पास बोला इसको अपग्रेड कर दो, कोई कम खर्चे के अंदर ये तैयार हो जाए और अपना काम हो जाए। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम है, देखो अंदर से कितना गंदा है, मतलब इतना मतलब पुराना सिस्टम है और पार्टी लेके आई है, अंदर से देखो कितना मतलब डस्ट वगैरह कचरा पड़ा है अंदर। तो ये सिस्टम है मेरे हिसाब से ये P4 सिस्टम है, P4 है और देखो कितना अंदर से गंदा पड़ा सिस्टम है और ये देखो यहाँ से देखो कितना मतलब कचरा भरा हुआ है अंदर। तो हम इसको अपग्रेड करेंगे, तो अपग्रेड में हम इसमें क्या क्या पार्ट्स लगाएंगे मैं आपको बताऊँगा। ये तो हम बाहर निकाल देंगे, पुराना सिस्टम है ये मदरबोर्ड वगैरह तो बाहर निकाल देंगे और हार्ड ड्राइव और ये सब हार्ड ड्राइव इसकी पुरानी वाली काम ले लेंगे और ये हटा देंगे हम, तो इसको हम अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड में हम क्या क्या पार्ट्स लेंगे ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का क्या है। तो हमने ये जेब्रोनिक्स का 61 मदरबोर्ड लिया है, 61 मदरबोर्ड जो NVMe सपोर्ट करता है और ये 11-55 सॉकेट है इसका मदरबोर्ड, शानदार मदरबोर्ड है और इसमें मतलब क्या है जो इसके पीछे दिया हुआ ये है इंटेल सॉकेट 55500 सेलरॉन प्रोसेसर i7 i5 और i3 सीरीज CPU और 61 मदरबोर्ड है सपोर्ट करता है ये और DDR3 रैम ड्यूल चैनल के साथ DDR3 रैम सपोर्ट करता है और रैम इसमें 16 GB तक सपोर्ट करेगा ये, तो आप 16 GB रैम डाल सकते हो। ये मदरबोर्ड है जो इसके अंदर कंपनी ने ये पत्ती दी है और ये साटा केबल भी दी है साथ में और ये एक मदरबोर्ड की सीडी दी है साथ में ड्राइवर वो इंस्टॉल करने, ये मैनुअल है इसका और ये इसके नीचे मदरबोर्ड है जो मदरबोर्ड है एकदम नया मदरबोर्ड है और छोटा मदरबोर्ड है, शानदार मदरबोर्ड है ये। मैं आपको बता दूँ मदरबोर्ड कम खर्चे के अंदर सस्ता मदरबोर्ड है ये जेब्रोनिक्स का 61 मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड की मतलब शानदार फिटिंग है, छोटा मदरबोर्ड दिया हुआ है और इसमें हम ये 4 GB की जो रैम है कंसिस्टेंट कंपनी की रैम लगाएंगे, DDR3 रैम लगाएंगे इसमें 4 GB की रैम और ये है i3 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है जो लूज प्रोसेसर आता है ये लगाएंगे हम, ये प्रोसेसर है i3 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर जो ये हम इस मदरबोर्ड में लगाएंगे और रैम लगाएंगे और इसमें एक कूलिंग फैन लगाएंगे, ये पुराने वाले कूलिंग फैन तो काम नहीं आएगा। तो इसमें अपने को दो मदरबोर्ड के अंदर दो रैम स्लॉट मिले हैं और 4 साटा पोर्ट है और यहाँ पे इसका पावर वाला सॉकेट वगैरह दिया है फ्रंट केबल और सबसे बड़ी बात है इसमें यहाँ पे SSD का स्लॉट दिया हुआ है जो NVMe हम लगा सकते हैं और साटा भी लगा सकते हैं, दोनों साटा के लिए 4 के पोर्ट दिया कंपनी ने और इसमें ये पावर का सॉकेट है और ये डिस्प्ले का 4 सॉकेट है, ये यहाँ पे हम प्रोसेसर लगाएंगे और इसमें सबसे बड़ी है कि USB सॉकेट है जो 6 USB है, 2 ऊपर दिए हुए हैं और 4 नीचे है और HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है और इसके अंदर बढ़िया कंपनी ने बढ़िया सिस्टम दिया है, LAN पोर्ट भी दे दिया और 6 साटा पोर्ट दे दी और एक VGA पोर्ट है, HDMI भी है और ये ऑडियो के दिए हुए सब सॉकेट हैं और यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, ये ग्राफिक कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, मतलब कम बजट के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला मदरबोर्ड है ये और ये प्रोसेसर मैंने बताया आपको जो i3 के अंदर है 3240 i3 के अंदर 3240 प्रोसेसर है थर्ड जनरेशन और ये है रैम जो हमने लगाई है इसमें 4 GB की DDR3 है जो 1600 FSB की है और ये रैम है कंसिस्टेंट कंपनी की बढ़िया रैम ये लगाएंगे इसके अंदर हम। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये कैबिनेट है, तो इसको हम पहले सबसे पहले क्लीन करेंगे और ये जो अंदर का पार्ट्स है वो बाहर निकालेंगे, मदरबोर्ड से बाहर निकाल देंगे और नया वाला
इसके अंदर फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसको पहले तो इसको डस्ट क्लीन करेंगे ब्लोअर से, उसके बाद इसके अंदर मदरबोर्ड, पहले हम मदरबोर्ड असेंबल कर लेते हैं। हम मदरबोर्ड को असेंबल कर रहे हैं अभी। जो सबसे पहले इसमें प्रोसेसर लगाएंगे, इसका लॉक हटा दो यहाँ से और सारा सिस्टम आराम से आप लगा सकते। ये प्रोसेसर है, इसको ये प्रोसेसर है, ल्यूज प्रोसेसर आता है, इसको यहाँ पे लगा दिया हमने। और ये है रैम, रैम हमने 4 GB लगाई कंसीडेंट की GDDR3। ये रैम यहाँ पे लगा दी, ये लगा दी। उसके बाद ये फैन है, ये फैन लगाएंगे हम। ये जो है कूलिंग पे पेस्ट है इसका, ये इसके ऊपर लगाएंगे। और ये फैन इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। ये लॉक है वो टाइट कर दो, ये फैन है। और ये इस प्रकार हम अपना मदरबोर्ड है जो असेंबल कर लिया हमने। अब हम इस मदरबोर्ड को इसके अंदर मदरबोर्ड के कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे, ये कैबिनेट अपना। तो ये सारा सामान बाहर निकाल देंगे और इसके जगह ये मदरबोर्ड जो हमने असेंबल किया है ये लगा देंगे। और ये है अपने i3 किया है, i3 प्रोसेसर है जो थर्ड जनरेशन किया है हमने। और इसमें आप विंडो 10 डाल सकते हो और विंडो 10 के साथ जो सारी एप्लीकेशन है वो रन कर सकते हो आप। विंडो 10 डलेगी और एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको कोरल चलाना है या फिर पेज मेकर चलाना है या फिर मैक्स चलाना है या फिर ऑफिस का कोई यूज लेना है, ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ला सकते हो तो आप काम कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन आपको कोई क्लास लेनी है या फिर कोई जूम मीटिंग वगैरह लेनी है तो इस बीच में आप ले सकते हो। और ये शानदार पीसी बन जाएगा और आपके कम बजट के अंदर ये मतलब आप पीसी काम में ले सकते हो, इसको आपको रखने की जरूरत नहीं है। ये आप अपग्रेड करवा लो और आपकी ये पीसी शानदार परफॉर्मेंस करेगा और विंडो 10 इसमें चल जाएगी अच्छी तरह से। तो इस प्रकार आप अपग्रेड करवा सकते हो अपना, मैंने आपको बताया है पुराने से पुराना सिस्टम आप अपग्रेड करवा सकते हो और शानदार परफॉर्मेंस करेगा। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और ये इस प्रकार की वीडियो आती रहेगी हमारी, और कोई मतलब कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और इस प्रकार की हम वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो लाइक करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मदरबोर्ड, ये इसको हम निकालेंगे। तो ये सारे जो पहले सबसे केबलें वगैरह हटा दो इसकी, और ये मदरबोर्ड जो हमने असेंबल किया है वो इसके अंदर फिट कर देंगे। ये जो स्क्रू है जो 4 स्क्रू इसके मदरबोर्ड के खोल लो आप। ये मदरबोर्ड हमने निकाल दिया इसके अंदर से, पुराना वाला मदरबोर्ड निकाल दिया इसके अंदर से और अभी नया वाला इसके अंदर लगाएंगे।
ये जो मदरबोर्ड है जो हमने अभी नया i3 प्रोसेसर साथ में जेब्रोनिक्स के 61 के साथ असेंबल किया है, और ये हम इसके अंदर लगाएंगे। नया मदरबोर्ड है, शानदार मदरबोर्ड के साथ, और इसको हमने निकाल दिया है। ये पुराने वाला मदरबोर्ड है और ये नया वाला है, और ये इसके अंदर मदरबोर्ड में यहाँ पे हम इसको फिट करेंगे कैबिनेट के अंदर, और इसके बाद इसमें हम विंडो 10 करेंगे। 10 के बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस करेगी 10 इसके साथ। सिस्टम हमने तैयार कर दिया, असेंबल कर दिया। मदरबोर्ड जो हमने आपके सामने वो तैयार किया था i3 का प्रोसेसर, वो लगा दिया हमने अच्छी तरह से, रैम वगैरह लगा दी, मदरबोर्ड ये लगा दिया, सेट कर दिया इसके अंदर। और हमने इसके अंदर एक SSD और लगाई है, जो हमने GNX कंपनी की SSD लगाई है 120 GB की, और i3 प्रोसेसर है 4 GB रैम के साथ, और ये पुराने वाला सिस्टम है, HCL कंपनी का पुराना सिस्टम है जो हमने अपग्रेड कर दिया इसको अभी। और ये अब हम इसमें विंडो 10 डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेन ड्राइव से डाल देंगे विंडो 10 की पेन ड्राइव अपने पास, उससे हम डाल देंगे, और उसके बाद ये मतलब आप काम ले सकते हो, वर्क कर सकते हो इसमें। और शानदार अपडेट है ये, कम बजट के अंदर आप पुराना सिस्टम है तो अपग्रेड करवा सकते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, शानदार परफॉर्मेंस आएगी इसकी।